हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप यूपी से बीएड करना चाहते हैं तो आपको यूपी बीएड जेईई देना कंपलसरी है। जेईई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि बीएड के लिए रखा जाता है। ये एग्ज़ाम जो है ये हर वर्ष यूपी की सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, और इस वर्ष ये एग्ज़ाम 15 जून 2023 को है। इस परीक्षा में सरकारी सीटें बहुत ही कम हैं, इसीलिए आपको अपनी तैयारी बहुत ही मज़बूत रखनी चाहिए। प्रतिवर्ष करीब 6 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्या पेपर पैटर्न है इसका। तो आइए शुरू करते हैं। अगर पेपर पैटर्न की बात की जाए तो यह 2 पेपर्स में डिवाइडेड है, पेपर 1 और पेपर 2। अगर पिछले वर्ष की बात की जाए तो जो पेपर 1 था वह 3 घंटे का होता है, इसलिए पिछले वर्ष वह सुबह के 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक रखा गया था। इस पेपर में आप टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चंस करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए जानना है वो है नेगेटिव मार्किंग। आप इसमें बिल्कुल भी गेसिंग गेम नहीं खेल सकते हैं, बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो आपके पूरे अंकों में से -1/3, 1/3 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे प्रति क्वेश्चन पे। तो इसीलिए आपको बहुत ही सोच समझ के हर सवाल का जवाब देना होगा। पहले पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं, इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। पहले और दूसरे पेपर के बीच में 2 घंटों का अंतराल होता है। जो पेपर 2 होता है वो भी 3 घंटों का होता है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो ये दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक रखा गया था। ये पेपर भी 200 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग सेम -1/3, सेक्शंस 2 होते हैं इसमें। तो आइए पेपर 1 के बारे में देखा जाए। पेपर 1 में जो पहला सेक्शन होता है वो होता है जनरल नॉलेज का, यानी कि सामान्य ज्ञान। अगर मार्क्स की बात की जाए तो इसमें आप टोटल 100 नंबर के क्वेश्चंस कर सकते हैं, 50 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। हर क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, अगर आपने गलत किया तो -1/3। तो इसमें आपने देखा कि टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं 2-2 मार्क्स के। अगर सेक्शन 2 की बात की जाए तो ये होता है लैंग्वेज का, लैंग्वेज यानी भाषा। इसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी, जिसमें भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो 2 होते हैं ऑप्शंस वो होते हैं हिंदी और इंग्लिश। इसमें अगर मार्क्स की बात की जाए तो 100 मार्क्स का होता है ये सेक्शन, क्वेश्चंस इसमें होते हैं 50, प्रति क्वेश्चन 2 मार्क्स मिल सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग में 1/3 नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। अगर पेपर 2 की बात की जाए तो पेपर 2 का पहला सेक्शन जो होता है वो होता है जनरल एप्टीट्यूड का, यानी कि तर्क शक्ति अभियोग्यता का। इसमें भी आप 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगी। अगर सेक्शन 2 की बात की जाए तो यह होता है सब्जेक्ट का पेपर। इस सेक्शन में भी आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 50 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगी। मार्किंग स्कीम जो है वो हर सेक्शंस में, हर पेपर में सेम है। तो सेक्शन 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको 4 वर्ग दिए गए हैं, आप 4 ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका ग्रेजुएशन में आपने कौन सा स्ट्रीम लिया था। ये ऑप्शंस जो हैं ये आपके ग्रेजुएशन के आधार पे होते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन आर्ट्स से है तो आप चूज़ करेंगे आर्ट्स का वर्ग। अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस से है तो आप साइंस चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन में कॉमर्स लिया है या आपने बीकॉम किया है तो आप कॉमर्स चूज़ करेंगे। और अगर आपने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से की है तो आप एग्रीकल्चर चूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि इस एग्ज़ाम में टोटल 2 पेपर होते हैं, जो कि 2-2 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं,
और अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो हर पेपर के सेकेंड सेक्शन में आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। लैंग्वेज के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन हैं और सब्जेक्ट के लिए आपके पास चार ऑप्शंस हैं। तो अब तक तो आपने इस एग्ज़ाम के पेपर्स भर दिए होंगे। अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो हम महावीर पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आपको एंट्रेंस की पूरी तैयारी कराने का प्रयास करेंगे। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।